हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ माई के लिए सब्जी, आलू की सब्जी। सिंपल से आलू की सब्जी है। थोड़ा सा तेल में राई और जीरा डाला था और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर ऐड किया था, और उसमें जो बारीक बारीक काट के जो आलू होते हैं वो डाल दिए थे। और इसी तरह से मैं पका लेती हूँ आलू की सब्जी। और बस माही के टिफिन के लिए यही हो जाता है। कभी कभी आलू की सब्जी देती हूँ, भिंडी की सब्जी देती हूँ, कभी गोभी की सब्जी देती हूँ। इस तरह से दे देती हूँ उसके टिफिन में ड्राई सब्जी। और यहाँ पर उसका लंच टिफिन पैक कर रही हूँ। उसका लंच टिफिन पैक हो जाने के बाद मैं उसका ब्रेकफास्ट टिफिन भी बना दूंगी। तो ब्रेकफास्ट टिफिन के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ, क्या बोलते हैं उसे, पास्ता। तो पास्ता की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी, क्योंकि मैं माही के साथ ही रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मुझे मतलब माही के टिफ़िन के साथ ही तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है फिर बाद में। तो यहाँ पर उसका टिफ़िन तो पैक हो चुका है, ये वाला लंच टिफ़िन। तो अभी थोड़ी देर के बाद उसका ब्रेकफास्ट टिफ़िन भी बन जाएगा। वही हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगा और उसके ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर रोटियाँ जो है वो मैं हॉटकेस में रख दे रही हूँ, ताकि वो गर्म के गर्म रहे। और बस उसके बाद मैं सब्जी अपने लिए बना लूँगी। और यहाँ पर पास्ता बनाने के लिए मैंने रख दिया है पानी, और वो बॉईल हो जाने के बाद उसमें ऐड करना है तेल। थोड़ा सा तेल ज़्यादा ऐड करना है, ताकि जो आप पास्ता उसमें ऐड करोगे ना, तो वो थोड़ा सा एक दूसरे से चिपके ना, तो इसी वजह से तेल ऐड करना है। और पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है, और उसमें नमक ऐड करना है आपको। नमक ऐड हो जाने के जो पास्ता होता है वो आपको उसमें डाल देना है, मतलब ये बॉईल होने देना है आपको पानी को, और उसके बाद आपको पास्ता ऐड करना है। और पास्ता थोड़ा सा मतलब जल्दी ही पक जाता है पास्ता, तो पास्ते को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक्चुअली। पास्ते को ना 5 मिनट तक रखना पड़ता है, 5 से 7 मिनट तक आपको पास रखने से ही पास्ता बन जाएगा। और आपको पता ही चल जाएगा, जब पास्ता पक जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। और ज़्यादा इसको गल नहीं करना है, ज़्यादा इसको गलने नहीं देना है, ताकि मतलब खुला खुला सा नहीं बनेगा फिर आपका पास्ता। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइट ही रखना है आपको उसे। तो बस इस यहाँ पर मेरा पास्ता बॉईल हो चुका है, मतलब बॉईल हो रहा है एक्चुअली। और फिर उसके बाद एक स्ट्रेनर में मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। और फिर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। अगर पास्ता अच्छे से मतलब वो हो गया है, कुक हो गया है, तो इस तरह से कुक होगा। और आप देख सकते हो खुला खुला बन गया है। अगर नहीं खुला बनता है, अगर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा पक चुका है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हो, उससे आपका पास्ता खुला खुला बनेगा। और पास्ता जैसे ही आप स्ट्रेनर में स्ट्रेन करते हो ना, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा खुला करना है उसे, नहीं तो वो चिपकने लगता है एक दूसरे से। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है तेल कढ़ाई में, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने प्याज चॉप करके रखा है, ग्रीन चिली चॉप करके रखी है, और टोमेटो चॉप करके रखा है। तो पहले प्याज और ग्रीन चिली मैं उसमें ऐड करूँगी अच्छे से, और उसे भी ब्राउन होने तक वेट करूँगी उसका, मतलब थोड़ा सा पकने दूँगी। और उसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, अभी मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो बस इस तरह से मैं मसाले ऐड कर दूंगी उसमें, टमाटो फिर बाद में ऐड करूंगी, और उसके बाद मैं नमक ऐड कर दूंगी उसमें। तो बस थोड़ा सा नमक, नमक से ना टमाटो जल्दी गलता है, तो टमाटो गल चुका था। उसके बाद मैं टमाटो सॉस ऐड कर दूंगी, और उसके बाद ये नीलॉन्स का मेरे पास पास्ता मसाला है, तो वो मैं बाद में ऐड करूंगी उसके बाद। तो ये मसाला मसाला पैकेट ऐड करने के बाद मैं अच्छे से चला लूँगी सारे सॉस को, मतलब ये सॉस हमारा रेडी हो चुका है, इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद जो पास्ता हमने रेडी करके रखा था, कुक करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अभी इसमें मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए, तो इसे मैं अच्छे से पलटा लूँगी। और मसाला मतलब जो पास्ता है हमारा रेडी है। और इसके बाद गार्निशिंग के लिए इस पर मैं धनिया पत्ता ऐड करूँगी, और पास्ता रेडी हो चुका था। अच्छे से आपको सॉस के साथ इसे मिलाना है, ताकि मतलब जो पास्ता है उसको अच्छे से सॉस लग जाए, मतलब अच्छे से वो उसमें क्या बोलते हैं, घुल जाए। और फिर उसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, और अभी आप देख सकते हो पास्ता का कलर कितना प्यारा आया है, और कितना ज़्यादा टेस्टी यम्मी दिख रहा है पास्ता। तो यही माही के ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगा, और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगा, मतलब माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स निकाल रही हूँ खाने के लिए, और माही का ब्रेकफास्ट टिफ़िन भर दूंगी, और बस हम लोग खा लेंगे। आप भी आ जाइए खाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और अभी बज रहा है दोपहर के 1, और हम जा रहे हैं कहीं बाहर, मतलब कुछ लेने के लिए चीज़। और वो चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
मतलब वो चीज़ के लिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। और फाइनली वो चीज़ लेने हम लोग आज जा रहे हैं। आज तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हूँ मैं इसी वजह से। तो चलिए फिर चलते हैं और आपको भी दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ हम लोग लेने जा रहे हैं। बट सस्पेंस है आपके लिए कि क्या लेने जा रहे हैं, वहाँ पे जाके ही आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं। तो चलिए गाइज, हम लोग आ गए थे यहाँ पे एक शोपीस की शॉप में। मतलब यहाँ पे लेना था, मतलब हमें जाना था रिसेप्शन में, इसी वजह से हमें गिफ्ट लेना था यहाँ पे। तो इसी वजह से ही हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पर गिफ्ट्स देख रहे थे। तो ना आज भी थोड़ा सा परेशान भी कर रहा था, तो हमने यहाँ पर ग्लास पे बिठा दिया था उसे। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह लिए। और ये ना शॉप जो है वो हमने यहाँ से ही हमारे घर के लिए वो जो अमेज़ॉन से शेल्फ ली थी उसके लिए जो परचेस किए थे हमने शोपीसेस, वो यहाँ से ही लिए थे। और काफ़ी लोगों ने पूछा भी था जो अमरावती के आसपास के हैं, उन्होंने पूछा भी था कि कहाँ से लिए और कौन सी शॉप है। तो ये वाली शॉप का एक्चुअली नाम तो मुझे अभी भी याद नहीं है यार, मतलब नाम पता नहीं। बट ये ना शॉप लड्डा मॉल में है और ये वाली शॉप में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम मिल जाएंगे, काफ़ी रिजनेबल। रिजनेबल मीन्स रिजनेबल भी आप बोल सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम मतलब शॉप से तो आपको अच्छे ही मिल जाएंगे यहाँ पर, बाकी सिटी के शॉप से। और यहाँ पर आए थे हम लोग श्रीकांत के लिए कपड़े लेने। तो श्रीकांत को कहीं मतलब दूसरी सिटी जाना था और उसके फैमिली रिलेटिव्स में शादी थी, इसकी वजह से उसने ना 5 शर्ट और 3 जीन्स लिए हैं। इतनी सारी उसने भी शॉपिंग कर ली थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग घर पर आने के लिए भी। तो उसके साथ उसके बाद ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने बनाई थी यहाँ पर चाय और यहाँ पर मेरी चाय बॉईल हो रही है। तो हम लोग इसके बाद चाय पी लेंगे और बस उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में। एक्चुअली पड़ोस जो आंटी का बेटा है उसका रिसेप्शन है, तो वहाँ पर ही हम लोग जा रहे हैं। तो मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ और आप ज़रूर बताना कि मेकअप लुक कैसा लगा। बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई यार, जल्दी जल्दी में किया। मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जल्दी जल्दी में ऐसा मेकअप करती होती हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी किया। और बस अभी 15 मिनट बाकी है, तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट में मैंने मेकअप, सॉरी मेकअप बोल रही हूँ, नेल पॉलिश रिमूव कर ली। एक्चुअली आप लोग देख ही रहे हो कितने दिनों से नेल पॉलिश जो है वो पूरी चिप हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने अभी नेल पॉलिश रिमूव कर ली पूरी। और ये वाली ही नेल पॉलिश लगा रही हूँ ब्लैक कलर की, क्योंकि ये साड़ी आप लोगों ने देखी है अद्विक के बर्थडे पर ली थी। तो मतलब दूसरी साड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी बाद में, तो वो ही पहनी है उसमें से एक। मैं फुल लुक आपको बाद में दिखा दूंगी, बट उससे पहले मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। और उसके बाद ये वाली जो नेल पॉलिश है वो नेल ट्रेंड मतलब रिलायंस ट्रेंड वाली जो नेल पॉलिश है वो है स्मॉल साइज वाली। ये ब्लैक वाली नेल पॉलिश मैंने छोटी साइज की ली है रिलायंस ट्रेंड की, बट इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है यार ये, यार ये मतलब बहुत कम लॉन्ग लास्ट करती है, तो इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बट कोई बात नहीं, मतलब एक दिन के लिए लगा लो और उसके बाद रिमूव कर लो उसके लिए ठीक है। बट ये मैं अभी लगा लेती हूँ और उसके बाद क्या बोलते हैं, तो चूड़ियाँ भी पहननी है और बस इसी तरह से थोड़ा सा बाल बना लूँगी। और बाल मैंने बनाया नहीं अभी तक। मैं सोच रही हूँ यही हेयर स्टाइल रखूँ या दूसरी हेयर स्टाइल बनाऊँ। कौन सी हेयर स्टाइल बनाऊँ? माही माही का लुक ये बर्थडे वाला पहना है, माही ने ड्रेस अद्विक के बर्थडे वाला, कौन सी यही हेयर स्टाइल रहने दूँ क्या? आप कौन सी करने वाली हो? वैसे पॉप बनाने वाली थी बट मुझे लग रहा है कि यही रहने दूँ, पॉप से अच्छा यही लग रहा है मुझे, तो मैं यही रहने देती हूँ। बट थोड़ी सी अच्छे से कर लेती हूँ। और आज ना मैंने हेयर वॉश किया था तो और भी ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो चलिए फिर मैं ये नेल पॉलिश अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइज, रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको फुल लुक भी दिखा देती हूँ। माही को बोलती हूँ फुल लुक दिखाने के लिए, इस तरह से ये वाली बैंगल्स पहननी है और इस तरह से रेडी हुई हूँ।
यही वाली हेयर स्टाइल बनाई है, बट उसे थोड़ा सा नीट करने के लिए थोड़ा सा मतलब कंघी उंगी से ऐसे किया है, और बस इस तरह से लुक है। और मैं माही को बोलती हूँ लुक दिखाने के लिए, माही दिखा दो फुल। चलिए अभी निकलते हैं, और आपने फुल लुक देख लिया तो जरूर बताना मुझे कैसा लगा आपको फुल लुक मेरा। और हाँ हो गया, लगा दूँ लॉक? लगाओ, चलो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एंड कल रात को वीडियो को एंड करना ही भूल गई थी, मतलब कल रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, उधर से आए तो लेट हो गए थे हम लोग, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो आपको दिखाना भी भूल गई कि कौन सी चीज़ हमने लाई है, मतलब कौन सी चीज़ मैं लाने गई थी। तो आपको दिखा दूँ कि टैन ये है वो चीज़ जो मैं लाना चाहती थी, ये है ओप्पो A9 2020। मतलब क्या हो रहा था कि मेरा जो पुराना फ़ोन है तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो इसी वजह से मुझे न्यू फ़ोन लेना था, तो इसीलिए मैं ये फ़ोन लेके आई हूँ। और मतलब कम प्राइस में है, और कम प्राइस में मीन्स 19,000 ऐसे कुछ तो भी है, तो उतने में है और अच्छा है। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी 128 GB है, तो इसी वजह से मुझे ये अच्छा लगा था, तो मैंने ये ले लिया। और इसका जो कलर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ़ोन मैंने निकाल लिया है और ग्रीन कलर है, तो मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, इसी वजह से मैंने ये लिया है फ़ोन। तो इस तरह से है, मैंने इसे कवर लगाया, और कवर भी इसके साथ ना काफ़ी अच्छा मिला है, तो इस तरह से ये फ़ोन है आप देख सकते हो। तो हाँ, सिम अभी तक इसमें इंसर्ट नहीं किया है, इसमें सिम भी इंसर्ट कर लूँगी। और यही हम लोग लेने गए थे तो वही आपके साथ शेयर करना था, और वीडियो को एंड भी नहीं किया था तो वीडियो को एंड भी करना था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू अच्छे से ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और मेरा न्यू फ़ोन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, काफ़ी लोगों के पास होगा भी और काफ़ी लोग इसे परचेस करना भी चाहते होंगे, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है, बैक कैमरा आई थिंक 48 MP का है, 5000 mAh की बैटरी, बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और क्या बोलते हैं, तो इसे इसकी जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और बजट के अंदर है, मतलब 20,000 के अंदर है, तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगा है ये। और कलर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया तो। और हाँ, इसमें ना 4 कैमरा है, बैक 4 कैमरा है, तो 4 बैक कैमरा है, तो मुझे इसकी वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। फ्रंट ज़्यादा नहीं है इसका, फ्रंट 16 MP का ही है, बट जो बैक है वो 48 MP का है, तो इसी वजह से। और कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है, मतलब कुछ महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले ही ये लॉन्च हुआ है, तो इसी वजह से मुझे ये लेना था, फाइनली ले लिया। तो चलो ये भी बताना मुझे कि कैसा लगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।